जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला, सभी नेताओं ने अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ने के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है, यानी कि चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है प्रचार प्रसार के लिए अपने चुनाव जीतने के इरादे से। तो मैं आपको इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि अब इनका असली चेहरा आएगा सबके सामने, यानी कि ये नेता जिस मकसद से जिस इरादे से काम करते हैं वो इरादे इनके छलकेंगे और इनका अनेक प्रकार का बयान आपके सामने आएगा। और ये लोग जिस प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं वो प्रोपेगेंडा इन स्पष्ट रूप से जनता के सामने आ जाएगी इस चुनाव के दौरान। और जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से लड़ाई समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और मायावती में है, और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी है, और बहुत सारे लोगों ने अपने बैनर, पोस्टर और गाना, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया के द्वारा गाना भी बनवा लिया है गया है, जो कि आइए थोड़ा सा इस गाने का मजा लेते हैं। आई सपा तो मंदिर का निर्माण रुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा, गजवाए हिंद झंडा फिर नहीं रुकेगा। आई सपा तो मंदिर का निर्माण रुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा। अब रही बात इनके इरादे की, तो इनके इरादे तो चुनाव के दौरान स्पष्ट रूप से दिख ही जाएगी, और इनके द्वारा एक दूसरे पर अच्छी तरह से कीचड़ उछाला जाएगा और बहुत ही पुराने घिसे पीटे और गड़े हुए केस को एक दूसरे पर लादा जाएगा, और हो सकता है कि इन्हें कईयों बार अदालत का चक्कर काटना पड़े, यानी कि एक नेता को दूसरे नेता के ही इल्जाम के द्वारा इन्हें अदालत की चक्कर काटना पड़ सकता है। और इसके साथ ही साथ एक दूसरे में चलेगी शब्दों की बाण, और सबसे लास्ट बात तथा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि इनकी घोषणा पत्र, यानी कि बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे पार्टी का ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक घोषणा पत्र आपको देखने को मिलेंगे जिस पर कि आप अपने हंसी नहीं रोक पाएंगे, यानी कि आप इस बात को सोचते रह जाएंगे कि इनकी सोच कहाँ तक है और ये देश को क्या बनाना चाहते हैं और देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं इनके घोषणा पत्र को देखकर। तो हो सकता है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती की इस प्रकार का घोषणा पत्र हो सकता है, आइए थोड़ा उस पर प्रकाश डालते हैं। तो इनका घोषणा पत्र यह हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद कश्मीर से वहाँ पर भारतीय सैनिकों को हटाए जाने के लिए, यानी कि वहाँ पर सैनिक की संख्या कम किए जाने की मांग करेगी, आर्यन खान केस को बंद कराएगी, राम मंदिर निर्माण के लिए रोक डालेगी, हर साल कश्मीरी लोगों को अवार्ड दिए जाएंगे, फ्री में बिजली पानी की सुविधा दी जाएगी, सभी विद्यालयों में, सभी स्कूलों में उर्दू शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा, हर जगह मदरसे खोले जाएंगे और हर जगह मस्जिदों के निर्माण होगी, और उस मस्जिद के निर्माण में 75% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे, सभी मुस्लिम छात्राओं को फ्री में लैपटॉप, स्कूटी और साथ ही साथ 1,00,000 रुपये का जीवन बीमा कराया जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी मदरसे के जो मौलाना होंगे, उनके जो शिक्षक होंगे, उन्हें सरकारी वेतन दिया जाएगा और वो भी 50,000 से ऊपर।